ठीक है, माना तुम एक भेड़िए हो, माना तुम हाइजीन इलाके के सबसे खतरनाक डाकू हो, पर टिप देने में थके हुए। अच्छा, तो तुम वहाँ से जिंदा कैसे बचे? मैंने उसे वो सच में थोड़े ही ना कहा था, बस उसे सोचा था अपने दिमाग में, और अगर वो मेरा दिमाग पढ़ता तो शायद मेरा कचूमर बना देता। खाना तैयार है, उम्मीद करता तुम्हें अच्छा लगे। ये बहुत बढ़िया है। अरे छोड़ो भी, तुम्हें मेरे डैड का खास सामग्री वाला शोरबा पीना चाहिए, असल में वो खास सामग्री जानते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो कमाल का है। वाह, तुम वाकई बढ़िया बावर्ची हो। काश मेरा मुंह और बड़ा होता, तुम्हें ये खाकर देखना चाहिए। कहते हैं कि ड्रैगन योद्धा बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकता है, और वो भी गिंको पत्ते की एक कोस की बूंद और ब्रह्मांड की ऊर्जा से। शायद मेरा शरीर अभी नहीं जानता कि वो ड्रैगन योद्धा है। मुझे जिंदा रहने के लिए ओस और ऊर्जा से कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? ओ, कुछ नहीं गुरु शिफू। तुम तब तक ड्रैगन योद्धा नहीं बन पाओगी जब तक तुम 500 पाउंड नहीं घटाते और अपने दांत नहीं घसते। जो आवाज तुम कर रहे हो हंसी है, मैंने इसे कभी नहीं सुना। और मेहनत करो पैंडा, और शायद एक दिन तुम्हारे कान मेरी जैसे हो जाए। कान? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा मैंने अच्छी नकल उतारी। वहाँ शिफू है। शिफू ही तो है, और क्या कर रहा हूँ मैं? गुरु शिफू। तुम्हें ये मजाक लगता है? टाइलंग कैच से भाग निकला है और तुम बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो। क्या? वो ड्रैगन पुलिंदे के लिए आ रहा है और सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। एक बात तो पक्की है, आपको मजाक करना नहीं आता। मैं रोकूंगा, मजाक मत कीजिए। आप सच कह रहे हैं? और मुझे उसे नहीं, गुरु उगवे उसे रोकेंगे, वो पहले भी कर चुका है, वापस कर सकते? नहीं रोक सकते, अब बिल्कुल नहीं। हाँ? हमारी आखिरी उम्मीद ड्रैगन योद्धा ही है, यानी पैंडा। हाँ, पैंडा ही। गुरुजी सुनिए, हमें टाइलंग को रोकने दीजिए, आपने हमें इसीलिए प्रशिक्षण दिया है। नहीं, टाइलंग को हराना तुम्हारी तकदीर में नहीं है, उसकी है।